फ्रेंड्स, दिस इज वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज थ्योरी, थ्योरी क्या होती है। थ्योरी अक्सर इसको लोग प्रोनाउंस थ्योरी भी करते हैं, थ्योरी भी करते हैं, तो थ्योरी होती क्या है सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। थ्योरी कहते हैं सेट ऑफ आइडियाज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और इलेबोरेट समथिंग, यानी कि कुछ ऐसे आइडियाज जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन या इलेबोरेट करने के लिए होते दिए जाते हैं। अब किस चीज़ को? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि समझ नहीं आते, तो ये जो आइडिया होता है ये आपको उस चीज़ को आसानी से समझा देता है। अब ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है ये बेसिकली एक आइडिया है। ये आइडिया क्या है, ये अप्रोच क्या है? ये आइडिया अप्रोच आपको समझाने के लिए है कि कानून क्या है, व्हाट इज लॉ। यानी कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो है ये एक ऐसा आइडिया है जिसने कानून को डिफाइन किया है कि कानून क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है। अब थ्योरी के बाद मैं नेचुरल लॉ के मीनिंग के ऊपर आता हूँ कि अगर हम नेचुरल लॉ के मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या है। इट मीन्स दैट ह्यूमन मोरालिटी कम्स फ्रॉम द नेचर। यानी कि नेचुरल लॉ का लफ्जी मतलब क्या है कि मोरालिटी कहाँ से आती है? मोरालिटी आती है नेचर से। मोरालिटी क्या है? योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि आपका सही और गलत में तमीज करना कहाँ से आता है? ये आता है नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से। ये आपको किसी ने नहीं बताया, ये आपको किसी ने नहीं समझाया, ऐसा किसी ने कोई कानून नहीं दिया। ये बाय नेचर आपके अंदर डाल दिया गया कि सही और गलत क्या है। ये है नेचुरल लॉ का लफ्जी मतलब। इसको डिफरेंट नामों से डिस्कस किया जाता है डिफरेंट बुक्स के अंदर। कुछ लोग इसको नेचुरलिज्म कहते हैं, कुछ इसको नेचुरल लॉ स्कूल कहते हैं, कुछ नेचुरल लॉ थॉट कहते हैं, कुछ इसको नेचुरल लॉ थ्योरी कहते हैं। तो ये सारे एक ही नाम हैं बेसिकली। अगर हम इसकी एग्जैक्ट मैं नेचुरल लॉ की डेफिनेशन की बात करूँ तो नेचुरल लॉ की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, नेचुरल लॉ इज़ द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग which are inherent in nature of people and that is not created by society or judge। यानी कि नेचुरल लॉ जो है ये कुछ असूल हैं। ये कहते हैं कि नेचुरल लॉ बेसिकली क्या है, असूल हैं, और ये वो असूल हैं जो कि सही और गलत जो है, सही और गलत के बारे में असूल हैं, और ये असूल जो हैं ये इंसान की नेचर के अंदर हैं इनहेरेंटली। ये इंसान की नेचर के अंदर इनहेरेंटली हैं, यानी कि ये किसी ने दिए नहीं हैं, ये उसकी सहरिश्त के अंदर डाल दिए गए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और वो कहते हैं कि ये किसी ने क्रिएट नहीं किए, ये किसी सोसाइटी ने नहीं दिए, ये किसी जज ने नहीं बनाया, ये इंसान के अंदर है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो कहते हैं यही जो असूल हैं यही कानून है। यानी कि नेचुरल लॉ की डेफिनेशन सिंपल क्या कह रही है कि कानून क्या है, कानून ये है कि ये कुछ कानून उन असूलों का नाम है जो सही और गलत के अंदर तमीज करता है, और ये सही और गलत की तमीज जो है ये इंसान की नेचर के अंदर इनहेरेंट है, किसी जज या सोसाइटी ने नहीं दी। मैं इसकी बड़ी आसान सी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ, और ये अक्सर मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी स्टूडेंट्स के साथ मैं इसको डेमो की शक्ल में समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैं आपको भी करूँगा। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा और आपने अभी बैठे हुए मेरे इन सवालों को आंसर करना है अभी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अभी सवाल करूँगा तो आपने अभी इस वीडियो को देखते हुए मेरे क्वेश्चंस को आंसर करना है। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वक्त आप जो हैं आपकी आंखें बहुत प्यारी लग रही हैं, और आप जिस अंदाज से आपने मोबाइल को पकड़ा हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त आपका अंदाज़ है, आपके देखने का अंदाज़, आपके बैठने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। अब मैंने आपकी तारीफ़ की है, मेरा सवाल ये है कि आपको कैसा लगा? यकीनन आपका मेजॉरिटी आप लोगों का आंसर क्या होगा कि जी बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारी तारीफ़ की है। अब मैंने आपसे दोबारा एक और सवाल करना है, इसका भी आपने मुझे आंसर करना है। अब मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि सवाल तो बाद में करूँगा, पहले आपको कुछ कहूँगा फिर आपसे सवाल करूँगा। आपने जिस तरह से मोबाइल पकड़ा हुआ है कि लगता है कि आप एक बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं,
क्योंकि आपका मोबाइल हिल रहा है। दूसरा, आप जिन आंखों से मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें जो हैं वो ऐसी हैं कि जैसे आपने कोई नशा किया हुआ हो। अब मैंने आपको कुछ बातें कही हैं, मैं आपसे दोबारा सवाल करने लगा हूं, मैंने जो ये आपको बातें कही, आपको कैसा लगा? यकीनन आपको ये बातें बुरी लगी होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी इंसल्ट की। सॉरी टू से, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं। अब मैंने पहले आपकी तारीफ की और आपसे सवाल किया कि आपको कैसा लगा, तो आपने कहा अच्छा लगा, यकीनन आप सबका आंसर यही है। फिर मैंने आपको ह्यूमिलिएट किया तो आपका आंसर यकीनन आया कि हमें बुरा लगा। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि मैंने ये जो आपसे आपकी तारीफ की और फिर आपको ह्यूमिलिएट किया और आपसे पूछा कि कैसा लगा, तो आपने मुझे यस और नो के अंदर जो आंसर किया है कि अच्छा लगा या बुरा लगा, ये आपको किसने बताया? क्या आपके साथ आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, या आपको पार्लियामेंट ने बताया है, या मैंने आपको आकर बताया कि आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा, या आपको किसने बताया? ये आपको आपके माइंड ने बताया है। ये इंसान के अंदर है, इंसान की सब कॉन्शियस जो है वो उसको बता देती है कि भाई मेरे बारे में अच्छी बात हो रही है या बुरी बात हो रही है। तो नेचुरल लॉ वाले यही कहते हैं कि जनाब कानून क्या है? कानून है मोरालिटी का नाम, यानी कि कानून जो है वो आपकी मोरालिटी है और आपकी मोरालिटी आपको बता देती है कि ये सही है ये गलत है। यानी कि नेचुरल लॉ वाले क्या कहते हैं कि कत्ल करना गलत है या सही है? अगर आपको लगता है कि कत्ल करना गलत है, आपकी मोरालिटी क्या कहती है कत्ल करना गलत है, तो कहते हैं ये कानून है। अगर आपको आपसे सवाल किया जाए कि ट्रैफिक पे रुक जाना चाहिए सिग्नल के ऊपर, ट्रैफिक लॉज की पाबंदी करनी चाहिए, आपका माइंड क्या कहता है? आपका माइंड कहता है कि रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? यकीनन आपका माइंड कहेगा कि रुकना चाहिए। वो कहते हैं कि यही कानून है। वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने बनाया है हम इसको कानून नहीं मानते। वो कहते हैं हम कानून किसको मानते हैं? हम कानून इस चीज को मानते हैं कि जो आपका माइंड कहता है, जो आपकी मोरालिटी कहती है। क्योंकि क्यों? वो कहते हैं क्योंकि ये नेचर है। वो कहते हैं ये कुदरती है, ये हर इंसान के अंदर है कि सही और गलत में तमीज करना। तो सही और गलत में जो तमीज है इसको कहते हैं मोरालिटी, और यही है नेचुरल लॉ। अब मैं इसके कुछ आपको ज्यूरिस्ट बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि नेचुरल लॉ इतना पुराना है। कहा यह जाता है कि जब से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, तो बेसिकली जो थीरी अगर उस टाइम से देखें जो आज तक चलती आई है, वो नेचुरल लॉ थीरी, यानी कि हज़ारों साल पुरानी ये थीरी है। और रिसेंटली 17वीं 18वीं सदी के अंदर आकर कुछ थोड़ा सा चेंज देखते हैं कि पॉजिटिव लॉ थीरी ऊपर आती है। अदरवाइज इसी जो नेचुरल लॉ थीरी है, इसने सदियों जो है वो अपने प्रिंसिपल्स बनाए, असूल बनाए और किताबों के अंदर आया। इवन मैं जिन ऑथर्स, जिन ज्यूरिस्ट का नाम लेने लगा हूँ, वो हर सब्जेक्ट के ज्यूरिस्ट हैं, हर सब्जेक्ट के ऑथर हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है सॉक्रेट्स का, उसके बाद है प्लेटो का, और उसके बाद है अरिस्टोटल का। ये तीनों कहा जाता है ये उस्ताद शागिर्द हैं। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली नेचुरल लॉ के फाउंडर हैं। और आज अगर हम रिसेंटली देखें तो हमारे पास जो नाम आता है नेचुरल लॉ का, वो आता है थॉमस एक्विनस का। थॉमस एक्विनस इटली के जो हैं एक जुरिस्ट हैं, इन्होंने नेचुरल लॉ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और ये इसके बड़े स्ट्रांग जो है फॉलोअर हैं। वो किस तरह से नेचुरल लॉ को एक्सप्लेन करते हैं? इन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए और कुछ या इंग्रेडिएंट्स कह लें, जिनको इन्होंने कहा कि ये आपका पर्पज़ ऑफ लॉ, पर्पज़ ऑफ लाइफ है। वो कहते हैं कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, बेसिकली उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए थे, मैं आपसे यहाँ पर 3-4 डिस्कस करूँगा जो रिलेटेड टू लॉ हैं। वो कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका पर्पज़ ऑफ लाइफ है। अब वो क्या है? सबसे पहले वो कहते हैं कि जी जो इंसान का पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो है सेल्फ प्रेजर्वेशन। वो कहते हैं कि दुनिया में इंसान जो भी काम करता है, वो सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए करता है। सेल्फ प्रेजर्वेशन कहते हैं अपने आप को बचाना। अब आप इमेजिन करें कि कितने सारे काम ऐसे हैं जो हमारी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। हम घर क्यों बनाते हैं? अपने आप को बचाने के लिए। हम गाड़ी में क्यों सफ़र करना चाहते हैं? बाहर से बचने के लिए। हम हेलमेट का यूज़ क्यों करते हैं? गिरने से चोट ना लग जाए। हम खाना क्यों खाते हैं? अपने आप को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हम पानी क्यों पीते हैं? अपने आप को जिंदा रहने। यानी कि वो कहते हैं आप दुनिया में जो भी काम करते हैं, इवन वो कहते हैं आप पढ़ते भी हैं, आप डिग्री भी लेते हैं, आप कैरियर भी बनाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट कैरियर नहीं है। वो कहते हैं आपका पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? वो है सेल्फ प्रेजर्वेशन, यानी कि अपने आप को बचाना। इसके बाद है, वो कहते हैं सेकेंड पर्पज़ ऑफ लाइफ है प्रोक्रिएशन।
प्रोक्रिएशन होता है कि अपनी जो बच्चों की पैदाइश के बारे में, यानी कि वो कहते हैं कि ये भी एक पर्पज ऑफ लाइफ है कि इंसान जो है ये उसकी नेचर के अंदर है। जैसे पहला क्या इंसान की नेचर के अंदर है, अपने आप को बचाना। दूसरा वो कहते हैं ये इंसान की नेचर के अंदर है कि वो जो है अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता है, यानी कि वो अपने बच्चों को आगे और मजीद बच्चे पैदा करना चाहता है, ये भी एक पर्पज़ ऑफ लाइफ है। तीसरा इसके बाद वो कहते हैं टू डू गुड एंड टू अवॉइड बैड, ये पर्टिकुलरली मोरालिटी से रिलेटेड है कि ये इंसान की नेचर के अंदर है कि वो सही करना चाहता है और गलत को रोकना चाहता है। अब मोरालिटी भी तो यही कहती है कि सही, ये सही है ये गलत है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो ये बेसिकली थॉमस एक्विनस के कुछ पॉइंट्स हैं और हैं जो कि सोशल साइंसेज सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं कुछ और पॉलिटिक्स से। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं जो कि थॉमस एक्विनस ने पर्पज़ ऑफ लाइफ के हवाले से दिए। ये है नेचुरल लॉ थ्योरी, बड़ी आसान सी जबान में आप समझ सकते हैं कि नेचुरल लॉ थ्योरी क्या है। नेचुरल लॉ थ्योरी है बेसिकली मोरालिटी, यानी कि नेचुरल लॉ क्या है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।